आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 14 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण बेकाबू है और 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों को लेकर राजनीतिक दल धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। इनमें भीड़ जुट रही है और कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इसे गंभीरता से लेते हुए ग्वालियर और दतिया एसपी को आदेश दिया कि भीड़ जुटाने वाले नेता, राजनीतिक दलों और उन्हें ना रोक पाने वाले अफसरों पर भी एफआईआर दर्ज करें। जस्टिस शील नागू व जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने आदेश में कहा कि स्पष्ट तौर पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता व न्याय मित्रों ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे स्पष्ट हो रहा है कि आईपीसी व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध किया गया है। याचिकाकर्ता आशीष प्रताप सिंह ने कोर्ट में बताया कि कोरोना काल में राजनीतिक आयोजनों में भीड़ जुट रही है, इस पर तत्काल रोक लगे। UIDAI ने घोषणा की है कि नए आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC कार्ड के रूप में रीप्रिंटेड किया जाएगा, जो इसे पूरी तरह से नया रूप देगा। इससे कार्ड होल्डर्स ATM कार्ड की तरह ही आधार को अपनी जेब में रख सकेंगे। आप सभी नए आधार PVC कार्ड का ऑर्डर कर सकते हैं, जो टिकाऊ है, आकर्षक दिखता है और इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं। इन फीचर्स में होलोग्राम, ग्लोज पैटर्न, घोस्ट इमेज और माइक्रो टेक्स्ट शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नया आधार PVC कार्ड के साथ ही नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आता है। UIDAI ने इसको नए अवतार में पेश किया है। अब आधार कार्ड काफी कुछ डेबिट कार्ड की तरह दिखेगा। यह कार्ड आपके ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। इस बारे में UIDAI ने ट्वीट कर लिखा, आपका आधार अब सुविधाजनक साइज में होगा, जिसे आप आसानी से अपने वॉलेट में रख सकेंगे। हालांकि इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको ₹50 खर्च करने होंगे। जबलपुर जिले के थाना रांझी में सूचना प्राप्त हुई कि देशी कलारी के सामने बड़ा पत्थर में आकाश चौधरी अत्यधिक मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग, नशीली गोलियां एवं इंजेक्शन रखे हुए है, जिन्हें बेच रहा है। सूचना पर तत्काल बड़ा पत्थर देशी कलारी के सामने दबिश देते हुए मुखबिर के बताए हुए फुलिये के युवक को, जो प्लास्टिक की थैली लिए खड़ा था, को पकड़ा, जिसने पूछताछ पर अपना नाम आकाश चौधरी, उम्र 21 वर्ष, निवासी गणेशगंज स्कूल के पास बताया। तलाशी लेने पर प्लास्टिक की थैली में 4 ल्यूपी जैसे इंजेक्शन, 7 एविल इंजेक्शन, 148 नाइट्रा केयर टेबलेट, 24 सिरिंज रखे मिला। पूछताछ करने पर बताया कि वह अपनी बड़ी मम्मी शिववती चौधरी के कहने पर बेचता है। ल्यूपी जैसे एवं एविल इंजेक्शन तथा सिरिंज का एक सेट ₹250 में बेचना बताते हुए रुपये बड़ी मम्मी को देना बताया। आकाश चौधरी एवं शिववती बाई के द्वारा यह जानते हुए कि उक्त प्रतिबंधित ड्रग का सेवन अत्यधिक मात्रा में करने से जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है, बेचना एवं बिकवाना पाया जाने पर दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर BJP ने स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर रखा है। इस पायदान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि BJP के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का एक भी समर्थक शामिल नहीं और खुद सिंधिया का नाम भी 10वें नंबर पर है। BJP के डिजिटल रथ से भी कल गायब थे। उन्होंने कहा है कि सिंधिया कांग्रेस में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे, अब BJP में क्या हालत हो गई। उन्होंने भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी प्रचारकों की सूची से गायब होने की बात कही। बुधवार सुबह MP के ग्वालियर में BJP के राष्ट्रीय मंत्री दुष्यंत कुमार गौतम पत्रकार के सवाल पूछे जाने पर भड़क गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने कांग्रेस द्वारा CM शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति पर सवाल खड़े किए जाने पर प्रतिक्रिया मांगी। सवाल सुनते ही गौतम गुस्से में आ गए और पत्रकार को कांग्रेसी तक कह डाला। एक हिंदी अखबार के लिए काम करने वाले पत्रकार ने भी जवाब देने में हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने गौतम पर बदतमीजी का आरोप भी लगाया। 26 माह के इंतजार के बाद मंगलवार को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह मंगल पृथ्वी के नजदीक आया। शाम के समय जहां एक ओर जब पश्चिम दिशा में सूर्य डूब रहा था, वहीं पूर्व दिशा में मंगल उदित हो रहा था। विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि मंगल बड़ा एवं चमकीला दिखाई दिया। मंगल ग्रह कोरी आंखों से भी दिखाई दिया। शहर में नक्षत्रों का
खगोलीय घटनाओं को देखने में रुचि रखने वाले अनिल धीमान ने बताया कि सूरज ढलने के साथ मार्स, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में थे। इसे मार्स एट अपोजिशन कहते हैं। चूंकि इसे देखने के लिए तकनीकी तौर पर बहुत कौशल व उपकरणों की जरूरत पड़ती है, इसलिए तीनों एक सीध में दिखाई नहीं दिए, लेकिन मंगल ग्रह कोरी आंखों से देखा गया। दीपावली के दौरान पटाखों के धुआं से कोरोना महामारी विस्फोटक रूप ले सकती है, यह चेतावनी चिकित्सकों ने दी है। उनका कहना है कि अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रदूषण से कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कोरोना से ज्यादा मौतें सामने आई हैं। फटाकों के विस्फोट से होने वाला प्रदूषण खासकर सांस के मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इससे COPD व अस्थमा के मरीज बढ़ सकते हैं। बेहतर होगा कि इस बार दीपावली पर फटाके न जलाए जाएं। चिकित्सक बताते हैं कि कोरोना से स्वस्थ होने वाले कई मरीजों में अस्पताल से लौटने के एक माह बाद भी फेफड़ों का संक्रमण सामने आ चुका है। हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति न दिए जाने के रवैये को चुनौती देने वाली याचिका को गंभीरता से लिया। इसी के साथ राज्य शासन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान याचिकाकर्ता शाजापुर निवासी स्मिता सुरेंद्रन की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता शासकीय जिला चिकित्सालय शाजापुर में मेडिकल ऑफिसर बतौर पदस्थ है। वह स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ साथ सोनोलॉजिस्ट भी है। उसका तर्क यह है कि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शासकीय अस्पताल में सेवा देने के बाद बचे हुए समय में वह प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकती। 2017 में जारी एक सर्कुलर के आधार पर ऐसा करने से रोका क्यों जाता है, जबकि 2018 में शासकीय GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के डीन ने एक सर्कुलर के जरिए शासकीय चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अधिकृत कर दिया था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। इंदौर की महू पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा मामले में 1 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में पुलिस ने 31,66,623 रुपये जब्त किए हैं, जबकि 1.5 करोड़ के खाते फ्रीज किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपित मोंटी उर्फ मनोज मालवीय को पकड़ा है। DIG हरिमन नारायण चारी मिश्रा ने इस पूरे खुलासे की जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी का सर्व फ्रांस में है, मामले के तार दुबई से भी जुड़े हुए हैं, जबकि कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। उनके अनुसार यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस कारण ED भी इसकी जांच करेगा। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 14 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा, ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन।
तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल्स सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।